सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार सिंह वाटर फॉर पीपल में फील्ड फैसिलिटेटर के पद पर काम करता हूं। शिवहर जिला में पानी और स्वच्छता के व्यवहार में बदलाव को लेकर कई लोग बेमिसाल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने व्यवहार में बदलाव लाया है बल्कि अपने आस पड़ोस में भी लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए वाटर फॉर पीपल इन्हें आदर्श ग्रामीण के रूप में सम्मानित किया है। मैं लाल बाबू राय ग्राम बराही पंचायत अटकोनी का निवासी हूं। वैसे मैं खेती बाड़ी करता हूं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि वाटर फॉर पीपल द्वारा एक आदर्श ग्रामीण के रूप में चयनित किया गया है। वैसे तो पहले से शौचालय और स्वच्छता के बारे में बताता आ रहा हूँ। आज के दिन में शौचालय का निर्माण करके लोग अपने शौचालय का यूज कर रहे हैं। एक पानी टंकी है और पानी टंकी से निकलते हुए ये मुसहरी की ओर रास्ता चला जाता है और दूसरा फिर गांव की तरफ जहां पर एमडीएस का कार्यक्रम हुआ था वो जगह है। विचार करा विचार करके चलो। कभी तक हमर गांव स्वच्छ और साफ सफाई के मामला में आगे बढ़ी ये लेकिन कुछ के कमी के कारण चर्चा के विषय बनल है। तो वो चीज गंदगी फैल है तो वो चीज के लिए हम सब मिल के वाटर फॉर पीपल द्वारा जब से मुझे एक आदर्श ग्रामीण के रूप में सम्मानित किया गया तब से हमारे गांव के लोग हमारे बात को महत्व दे रहे हैं और स्वच्छता के प्रति काफी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है और हमारे समाज के लोग बाहर शौच के लिए नहीं जाते। हमरा सबके ऊंचे स्थान पर पानी के रख रखाव करे के है और टिसनी के द्वारा ही पानी के यूज करे के है। ग्रामीणों के साथ उसमें जा करके देखता हूँ और ग्रामीणों को काफी स्वच्छता के बारे में काफी अवगत कराता रहता हूँ। कठिनाई तो काफी झेलना पड़ा गांव समाज के नाते। शौचालय निर्माण के बारे में लोगों से बताते चलते आ रहे थे लेकिन लोग कहता था कि आप बार बार शौचालय का रट हमेशा लगाते हैं, इससे आपको क्या फायदा मिलता है। हमने कहा कि भैया हमको फायदा नहीं मिल करके ये आपको फायदा मिलेगा। जो आप बीमारी में खर्च करते हैं पैसा का, वह पैसा यदि बचत होता है तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में यूज कर सकते हैं जिससे आपका परिवार खुशहाल रहेगा।